Students, I am Jha going to discuss about worksheet number 12 of class 7th mathematics. This worksheet is for 3rd September 2021. In this worksheet, we are going to discuss about decimal multiplication. Let us recall if Bela bought 1.5 kg orange at rate. फिफ्टी रुपीज़ फिफ्टी पैसे पर के जी कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट सी नीड टू पे बेला डेढ़ किलो संतरा लेती है जिसका रेट है संतरे का पचास रुपये पचास पैसे पर किलो तो उसको कितने कितना अमाउंट पे करना होगा वो लेने के लिए यस यू नीड टू मल्टीप्लाई अब कैसे करेंगे उसके लिए जब एक किलो का दिया गया है और आपको रेट दिया गया है तो जितना किलो आपने लिया है उससे मल्टीप्लाई करना होगा तो आपने डेढ़ किलो लिया है तो यस वी नीड टू तो मल्टीप्लाई क्वांटिटी टू रेट तो ये हो जाएगा अमाउंट तो डेढ़ को इससे करेंगे अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी हासिल करें मल्टीप्लाइंग ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर अब डेसिमल को होल नंबर से कैसे करते हैं पहले यह स्टेप भी देख लीजिए ये स्टेप है फॉर मल्टीप्लाइंग डेसिमल। फॉलो द स्टेप्स मल्टीप्लाई लाइक होल नंबर होल नंबर की तरह ही इसको मल्टीप्लाई करें काउंट डेसिमल प्लेस इन क्वेश्चन डेसिमल प्लेस कितने हैं वो काउंट कर लें पुट द सेम नंबर ऑफ प्लेस बिहाइंड द डेसिमल इन द प्रोडक्ट आप उतने ही डिजिट बाद मतलब पीछे आप डेसिमल को पुट करें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वन पॉइंट फाइव को टू फाइव से मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हमने देखा वन पॉइंट फाइव है और यहाँ पे टू फाइव है तो हम अभी भूल जाए जो कि यहाँ पे डेसिमल है यदि आप करेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे। आप याद रखें जो एक अंक बाद डिजिट डेसिमल लगा हुआ है बस ये याद रखना नॉर्मल संख्या की तरह जैसे पंद्रह को पच्चीस से करते हैं तो वैसे ही कर ना तो हमने किया तो पिछहत्तर आया पहली बार में फिर दो से किए तो तीस आया एक अंक बाद करते हैं तो ये पाँच और सात और तीन आया अब देखिए दशमलव के बाद एक डिजिट था एक डिजिट मतलब एक डिजिट बाद डेसिमल था तो यहाँ से एक डिजिट बाद डेसिमल डाल दें यहाँ पे डाल दें हो गया हमारा पास वन डेसिमल प्लेस ठीक है डेसिमल के बाद वन प्लेस था अब ये भी ध्यान रखे जाओ जो हम टेन हंड्रेड या थाउजेंड से करते हैं त्यों त्यों हम राइट उतने ही डिजिट आगे बढ़ते जाते हैं जैसे मूव द डेसिमल टू राइट बाय एज मेनी प्लेस एज देयर आर जीरो इन नंबर जितने जीरो हैं उतने ही राइट right प्लेस पे बढ़ते जाएंगे अब जैसे वन पॉइंट सेवन एट है यहाँ पे एक दस से कर रहा है तो एक डिजिट बाद बढ़ गया तो यह पॉइंट यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट एट अब दो डिजिट है दो मतलब डबल जीरो है तो ये दो डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये वन पॉइंट सॉरी वन पॉइंट फाइव सिक्स से वन फाइव सिक्स पॉइंट ज़ीरो हो जाएगा अब तीन है तो यहाँ पे तीन जीरो बढ़ेंगे तीन आगे बढ़ेंगे एक दो और तीन तीसरा नहीं है तो यहाँ पे जीरो लगा दिया तो इसीलिए ये हो जाएगा एक हज़ार पाँच सौ साठ पॉइंट जीरो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं मल्टीप्लाई टू डेसिमल नंबर अब जैसे देखे यहाँ पर दिया था आपका क्वेश्चन था फिफ्टी रुपीज़ फिफ्टी पैसे फिफ्टी पॉइंट फिफ्टी और दूसरे में था वन पॉइंट फाइव अब में ध्यान देना है जो कि यहाँ पर यहाँ पर टू डिजिट है यहाँ पर एक डिजिट है तो टू और वन थ्री डिजिट बाद डेसिमल डालेंगे बाकी हम नॉर्मल की तरह इसको फाइव से करेंगे गुना तो मल्टीप्लाई तो फाइव से करें तो ये आया न, यही दो पाँच दो पाँच जीरो मतलब फाइव से करें जीरो फाइव जा ज़ीरो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव जीरो जा ज़ीरो और टू और एक डिजिट बाद यदि हम वन से करते हैं तो लिखेंगे जीरो फाइव ज़ीरो फाइव इसको जोड़ दिए जोड़ने पे हमारा आया सेवन फाइव पॉइंट सेवन फाइव सेवन फाइव जीरो आता है तो हमने यहाँ देखा था ये इसको यूज किया है तो एक डिजिट यहाँ पे है और दो डिजिट यहाँ पे तो हम इधर से तीन डिजिट गि एक दो और तीन डिजिट बाद डेसिमल डाल दिए तो हमारा हो गया सेवेंटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव जीरो ठीक है ये हो गया अब आइए आगे देखते हैं यह कह रहा है प्ले टाइम इसको खेलें अब यहाँ पे देखिए आपके पास दिया हुआ है जब टू पॉइंट फाइव को दस से करते हैं तो इधर आ जाएगा एक तो यह हो जाएगा टू फाइव पॉइंट ज़ीरो यानी आगे लगा सकते हैं सौ से करते हैं तो दो डिजिट बाद आ जाएगा यानी टू फाइव तो था ही अब यहाँ पे डेसिमल है तो एक डिजिट और चाहिए यहाँ पे आ जाएगा टू पॉइंट फाइव को फाइव से करते हैं तो सेवेंटी फाइव uh, हो जाता है ट्वेंटी फाइव को फाइव से करें और एक डिजिट बाद डेसिमल डाल देंगे अब ये पच्चीस को पच्चीस से करेंगे सॉरी यहाँ पे यदि हम ट्वेंटी फाइव को फाइव से करते हैं वन टू फाइव आता है और एक डिजिट बाद डेसिमल डाल देंगे तो ये आ गया और ये ट्वेंटी फाइव को ट्वेंटी फाइव से करते हैं तो सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आता है और वन प्लेस यहाँ वन प्लेस यहाँ तो टू प्लेस तक डेसिमल डाल देंगे ये हो गया अब हमेशा की तरह आपको कुछ करने के लिए भी दिया जाता है तो आप आइए करते हैं लेटेस्ट टू में पहला सवाल दिया इसको मल्टीप्लाई करना है फोर सिक्स को एट से करना है तो हम फोर पॉइंट सिक्स को एट से करना है तो पहले कर ले फोर सिक्स को एट से करते हैं तो ये हो जाता है सिक्स को एट से करेंगे तो एट सिक्स जा फोटी एट ठीक है और फोर को एट से करेंगे थर्टी टू और फोर थर्टी सिक्स और एक बिजिट बाद डिमल डाल दिए ये सेवन को फाइव से करेंगे तो थर्टी फाइव और यहाँ पे देखे डेसिमल के बाद टू प्लेस है इसमें कोई ये नहीं तो एक और दो दो प्लेस बाद डेसिमल डाल दिए पीछे कुछ नहीं है तो इसलिए जीरो डाल दिए अब एक से करेंगे पहले तो एक से करेंगे तो ये होगा फाइव वन सेवन डेसिमल के बाद वन प्लेस और वन प्लेस तो टोटल हो गया टू प्लेस तो यहाँ पे कर इसको करेंगे एक सौ वन 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 टू यानी यहाँ पे डेसिमल है और फिर जीरो पॉइंट ज़ीरो पॉइंट वन फाइव ज़ीरो पॉइंट वन फाइव तो हम देखें दो और एक तीन अंक बाद डेसिमल डालेंगे पहले इसको गुना कर ले पहले टू से कर फाइव से करते हैं तो फाइव टू जा टेन और एलेवन फाइव या फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स ये हो जाता है इसका और वन से करेंगे एक डिजिट बाद हम लिखते हैं तो इससे एक से गुना करेंगे तो दो एक अब जीरो छ दो आठ पाँच एक छ और एक ये आ गया अब डेसिमल दो डिजिट यहाँ पे है और एक डिजिट यहाँ है तो थ्री डिजिट बाद डाल दीजिए तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा अब अगला दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ ये और ब्रेथ ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजकअल टू लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ दिया हुआ आपके पास 5.7 उसको थ्री से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट जो है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट भी लगाना है तो थ्री से करेंगे तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन और फाइव थ्री जा फिफ्टीन और टू सेवेंटीन ये हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब नॉर्मली हम गुना कर लिए और एक डिजिट बाद डेसिमल डाल ठीक है बच्चों ये था आज का वर्कशीट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद